अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद मुतियल हसन और आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज़। सरगोधा में पैदा होने वाला किन्नो अपने जायके की वजह से दुनिया भर में मुनफरद मुकाम रखता है, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से हर साल किन्नो की पैदावार और एक्सपोर्ट कम होती जा रही है, जिससे किसान और एक्सपोर्टर्स दोनों परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, गोदा का किन्नू जो है दुनिया भर में जायके के लिहाज से मुनफरिद मुकाम रखता है और इसे जो है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है और इसकी जो खास तौर पर अहम मंडियां जो है वो ईरान, अफगानिस्तान, इसकी जो है खलीजी ममालिक जो है इसकी मंडियां है जहाँ पर इसे एक्सपोर्ट जो है बहुत मकदार में जो है वो की जाती है। लेकिन इस दफा जो है जो किन्नू फैक्ट्री मालकान है जहाँ पर ये किन्नू जो है पालिश होता है उनको काफी जो है एक्सपोर्ट की वजह से मिसाइल का सामना है और डॉलर की जो ऊंची उड़ान है उस वजह से भी जो है ये किन्नू जो फैक्ट्री मालकान है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए जो किसान है वो भी इस दफा पैदावार कम होने की वजह से वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हर साल जो है इसकी पैदावार जो है वो कम दिखाई दे रही है। इस वक्त यहाँ पर किन्नू आनंद जो है व्यक्ति के वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस दफा क्रॉप तो वैसे ही कम थी किन्नू की और एक्सपोर्ट के हवाले से भी काफी मसाइल है, जिसमें मेन ये है कि लास्ट सीजन रूस और यूक्रेन की वार की वजह से हमारी रेमिटेंस नहीं आई। तो इस दफा स्टेट बैंक ने ये रख दिया कि आप एडवांस पेमेंट मंगवाएंगे तब जाके एक्सपोर्ट होगी, वो भी प्रॉब्लम थे और साथ में ये था कि मंडी और नहीं थी और हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसी चीज हमें नहीं है कि हमें तो फैसिलिटेट किया जाए। अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं और होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन अच्छा हो। नेक्स्ट सीजन इनका कहना है कि शायद हो सकता है कि अच्छा हो, लेकिन अगर हुकूमत जो है एक्सपोर्टर का साथ दे तो इसमें जो है बेहतरी आ सकती है, उसकी पैदावार जिसकी वजह से किसान परेशान है उसमें भी जो है वो इजाफा हो सकता है। जी